फिर से वापस आ चुका हूं के साथ। आज को हम बात करेंगे एक मैच के एनालिसिस के बारे में जो विलेजर ईस्पोर्ट का मास्टर्स चल रहा है, विंटर मास्टर्स। वहां पे टोटल गेमिंग के रोहित ने एक इम्पॉसिबल सिचुएशन से एक बहुत स्मार्ट गेम प्ले दिखाया है। वो चीज को मैं थोड़ा सा आपको ब्रेक डाउन एंड एनालिसिस करके बताने वाला हूँ। आई होप कि आप लोगों को मजा आया। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को पहले लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके मैंने कहा है, मैं हर बार की तरह आज भी कहूंगा कि मेरे को जनवरी खत्म होने से पहले 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचे तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो ताकि हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी पहुंचाए। ज्यादा वक्त न जाया करते हुए शुरू करना चाहेंगे आज का एनालिसिस। अब इस सिचुएशन को मैं प्ले करके यहाँ पे आप जस्ट ऑब्जर्व करो कि कैसे ये सिचुएशन कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब रोहित और ड्रेगो ये दो प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, अभी भी 12 किल है। एंड अगर देखा जाए तो इस सिचुएशन से ये टीजी का बुया अगर देखा जाए तो नहीं है। टीजी यहाँ से बुया नहीं निकाल सकती है, या तो 0 डिग्री जिनके पास मैन एडवांटेज है, या तो आपने जो आरजी का प्लेयर देखा वो वहां से सिचुएशन का एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकता था। बट टीजी के लिए एडवांटेज क्रिएट करना थोड़ा सा नामुमकिन सा था, बट स्टिल उन्होंने बुया निकाला। कैसे निकाला आपके सामने है, आप ये वाला सिचुएशन देखो। बस ड्रेगो यहां पे आगे जाता है, ठीक है। रोहित और ड्रेगो दोनों अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ब्रिज के एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड दोनों से प्लेयर्स आ सकते हैं। ठीक है, जॉनी को पता है यहाँ पे आइस ग्रेनेड डाला हुआ है, ड्रेगो के पास लॉन्चर है। अब मैं एक चीज देखो, ये प्लेयर के पास 11 नेड है, 12 ग्लू वॉल्स है, एलावेरो का एबिलिटी है, उसको पता है कहाँ जॉनी है, क्या चाहिए अब इसको, मतलब। और ऊपर से वो ड्रेगो है, उसको पता है मतलब क्या एक्सपर्टीज है इसके पास। ठीक है, अब बस देखो क्या होगा। नॉक हो गया, बट यहाँ पे सुमित ने बहुत अच्छा काउंटर किया होता है। सुमित इमीडिएटली वुडपेकर से एक हेड कनेक्ट करता है, ड्रेगो हो जाते हैं यहाँ पे नॉक। ठीक है, अब रोहित बेचारे अकेले बचे हुए हैं। ठीक है, अब रोहित को अब सर्कल कहाँ खत्म, सर्कल का पोजीशनिंग देखो आप। सर्कल ये ब्रिज के ऊपर जो किलर भाई साहब है वो है सर्कल के अंदर, और ये नीचे ये जो पानी का एरिया दिख रहा है ये पिलर का, ये है सर्कल का सेंटर। ठीक है, अब फिर से आप ऑब्जर्व करो, ड्रेगो यहाँ पे खत्म करते हैं सुमित। चार टीम्स बचे हुए हैं, चार टीम्स, आप अगर गौर फरमाए यहाँ पे, चार टीम्स चार प्लेयर्स। ठीक है, उसमें से एक ओजी का किलर जो ऊपर है, एक खुद रोहित, एक 0 डिग्री का प्लेयर और एक डेंजर। ठीक है, 0 डिग्री का सुमित बचा हुआ था। अब इस सिचुएशन में देखो इनके पास स्केटबोर्ड है, अब मैं प्ले करता हूँ, ये देखो सिचुएशन में रोहित का मूवमेंट देखना, ये होता है मूवमेंट एक प्लेयर का। अब इसके पास रिसोर्सेज, मैं आपको फिर से रिसोर्सेज दिखाऊंगा रोहित के पास कितने रिसोर्सेज है। सुमित यहाँ सामने से आ रहा है, सुमित दूसरे तरफ है और आरजीए के जो डेंजर है और रोहित है यहाँ पे। ठीक है, 15 ब्लू वॉल है यहाँ पे, रिसोर्सेज देख रहे हो, और 3 नेड्स हैं इन रोहित के पास भी। 6 किल खुद अकेला निकाल चुका है, स्काइलर की एबिलिटी है ग्लू वॉल तोड़ने के लिए। ठीक है, और बुशीदो है जो उनको हेल्प कर सकता है इस मोमेंट में, और कुछ नहीं कर सकता। मीशा तो यहाँ पे कतई कुछ होने नहीं वाला क्योंकि यहाँ पे गाड़ी है नहीं। ठीक है, प्ले करता हूँ, बस मूवमेंट देखना रोहित का, टाइमिंग इसे कहते हैं। ठीक है, रोहित यहाँ पे गोल गोल घूम रहा है, डेंजर ने पहले पीक कर दिया, रोहित के पास एडवांटेज, ऑब्वियसली बात है उसने पहला पीक किया। रोहित ने M87 रिलोड किया, बाहर निकलेगा। ठीक है, सुमित को, सुमित का पोजीशन उसको पता, उसको साउंड आ चुका है। ठीक है, वुड पे यहाँ पे किंगफिशर निकालता है, पहला शॉट खत्म, सुमित को भी खत्म करने जरूर खत्म किया। अब किलर यहाँ बचा है, अगर हील बैटल, अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन सोचूंगा कि क्या एज अ प्लेयर ऑप्शन हो सकते हैं, किलर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उनके पास 10 फर्स्ट एड है, यहाँ पे भी सर्कल का सेंटर बनेगा तो वो सर्कल में एक काम करते हैं हील बैटल। बट किलर क्या करते हैं, उन्होंने उनके पास ग्लू वॉल्स 4 ही है, वो नीचे कूदते हैं, वो सोचते हैं कि एक काम करते हैं हम आगे जाके वो प्लेयर डैमेज होगा। ये एज अ प्लेयर ये दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप खुद नीचे कूद के एलिमिनेट करो, बट ये कूदना उनके यहाँ पे 11 FP रहता है, उनको फोर स्टेज यूज करना पड़ता है और टाइमर देखना, 7 सेकंड टाइमर रन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे उनको हीलअप करना पड़ रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम है। इस टाइम पर रोहित 220 FP में घूम रहा है खुल्ला, उनको पता है क्रोनो का शील्ड एक्टिव के इमीडिएटली किलर ने अभी भी फुल हील नहीं कर पाया है। ठीक है, ग्लू वॉल डाल दिया, अब रोहित अपना रिसोर्सेज फुल यूज करता है, फुल अपने ग्लू वॉल बाजी चालू करती है, उसको पता है कि मेरे पास 15 ग्लू वॉल्स है, मैं बड़े आसान से स्काइलर फेंक के मार रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत डैमेज फिलिप भी किलर ने दिया है। किलर वर्सेस रोहित, आप सोचो किलर भी एक अगर शॉट कनेक्ट करता है रोहित यहाँ पे नॉक हो सकता है, बट एडवांटेज यहाँ पे रोहित के पास है, रोहित यहाँ पे बुया कन्वर्ट करके लेके जाता है। एक इम्पॉसिबल सा सिनेरियो, वंस अगेन टोटल गेमिंग डिलीवर्स इट 17 किल के साथ, नॉट अ जोक, अगेन नॉट अ जोक, एक प्रो लॉबी में। ठीक है, जहां पे सब सीरियस गेम चल रहा है, एक पानी का सर्कल, बहुत अनयूजुअल गेम, वहां पे एक 1v4 क्लच करके लेके जाता है ये बंदा, अकेला 9 किल करता है। आई थिंक गेम प्ले एट इट्स बेस्ट, फ्री फायर एट इट्स बेस्ट, एंड सिर्फ टोटल गेमिंग इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, लाइक प्लेयर की क्वालिटी है ये बात समझो। मेरे को पता है बहुत लोग यहाँ पे कॉमेंट पे लिखने वाले कि यार फिर से टोटल गेमिंग, टोटल गेमिंग,
गाइस प्लेयर को देखो, प्लेयर की क्वालिटी को देखो, वो यहाँ पे क्या मैच निकाल रहा है, क्या क्वालिटी गेम प्ले दिखा रहा है, उसको रिस्पेक्ट करो। एज अ फ्री फायर लवर आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए ये चीज। यस दैट्स इट, आई होप कि आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना कि रोहित क्या क्या और कर सकता था वहां पे, या फिर किलर क्या कर सकता था, क्योंकि फिर से हमें एक अमेजिंग ओजी वर्सेस टोटल गेमिंग का फाइट यहां पे देखने को मिला, वन वी वन किलर वर्सेस रोहित। नो रोहित भी एक बहुत ही यंग खिलाड़ी, किलर भी एक बड़े यंग खिलाड़ी जो ग्राइंड चालू है, सब लोग ग्राइंड कर रहे हैं यहाँ पे, ओजी भी धीरे धीरे करके कम बैक कर रही है। स्काई स्पोर्ट्स का भी आज आखिरी दिन है, लेट्स सी कल स्काई स्पोर्ट्स का एनालिसिस लेके मैं जरूर से आऊंगा। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, स्टे सेफ गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।